फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज की वीडियो कोरोना वायरस के बारे में है, जो कि एक अवेयरनेस वीडियो है। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आपको इसके बारे में अवेयर करूं, और अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि लोग इस कोरोना वायरस से अवेयर हो पाए और उनको ये पता लग पाए कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना है क्या नहीं। कल तक का जो अपडेट था वो ये था कि सिर्फ चाइना में ही इमरजेंसी डिक्लेयर थी, और आज का जो अपडेट है वो ये है कि वर्ल्ड लेवल पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है WHO ने, क्योंकि लगातार जो डेथ केसेस हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के वो बढ़ते जा रहे हैं। परसों का अपडेट था 106 लोगों की डेथ हुई थी, यानी कि 106 लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई थी। कल का जो अपडेट था वो 160 बढ़ के हो गया था, और आज का जो अपडेट है वो 212 लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हो चुकी है। इसने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में दस्तक दे दी है। इसके साथ में इंडिया में मोहाली में पहला केस सामने आया था, उसके बाद पटना में एक पेशेंट एडमिट हुआ था और जयपुर में एक पेशेंट एडमिट हुआ था, लेकिन उसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन आज की अपडेट ये है कि केरला में एक पेशेंट जिसको कोरोना वायरस है, ये पुष्टि हो चुकी है, इसका कंफर्मेशन हो चुका है। दैट मींस कि कोरोना वायरस ने हमारे इंडिया, हमारे भारत में भी अपना असर फैलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए आपको अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में, क्योंकि अफसोस के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है और कोई भी एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं करती है जो नॉर्मली फ्लूज में काम करती हैं। और इसीलिए आपको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी ये भी नहीं पता लगा है कि इसका ट्रांसमिशन पैटर्न क्या है, ये किस टाइप का है, किस एनिमल के थ्रू आया है, तो कोई भी चीज क्लियर नहीं है। जब तक कुछ क्लियर नहीं है, तो जो भी आपकी गवर्नमेंट, जो भी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है जो एडवाइजरी जारी कर रही है, उसको आप उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिए। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं, कोरोना वायरस है क्या जिसने इतनी हड़कंप मचा रखी है। वर्ल्ड में इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल जो चाइना है वहां इमरजेंसी की सिचुएशन है। कोरोना वायरस एक अपने आप में कोई अलग वायरस नहीं है, ये एक फैमिली का ही वायरस है। इसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। वेल, इस फैमिली के और भी जो वायरस है वो डिटेक्ट पहले हो चुके हैं। 2002 में, 2003 में सार्स नाम का एक वायरस आया था, जिससे पूरी दुनिया में इमरजेंसी की सिचुएशन थी, और उस वायरस से लगभग 700 लोगों की पूरी दुनिया में मौत हुई थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स आया था, जिसने भी काफी हड़कंप मचाया था। ये जो वायरस अभी आया है, अभी जो डिटेक्ट हुआ है, इसके बारे में क्या ट्रांसमिशन पैटर्न है, क्या टाइप है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, और ये पहले कभी नहीं देखा गया, ये एकदम नया है। इसीलिए जब तक इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हो जाता है कि कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तब तक आपको अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजों से आपको बचना है, बहुत ज्यादा अलर्ट, हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। इसकी शुरुआत हुई है चीन के वुहान शहर से, और उसके मीट मार्केट से शुरू हुई है, और ये एनिमल से ह्यूमन में आया है। माना ये जा रहा है, अभी तक वेल क्लियर नहीं है किस एनिमल से हुई है, लेकिन माना यही जा रहा है ये स्नेक यानी कि सांप से बैट में यानी कि चमगादड़ में आई है, और चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई है। लेकिन अभी तक ये क्लियर एक्चुअल में नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि सार्स जो होता है और जो मिर्स जो पहले वायरस डिटेक्ट हुए थे, वो चमगादड़ में यानी कि बैट में पहले से मौजूद होते हैं। इस वजह से मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। पहले सांप से चमगादड़ में जा रहा है, चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं, उसमें इसके एकदम सिम्टम एकदम निकल के नहीं आते हैं, इन्फेक्शन पहले हो जाता है, जो कि बहुत ही अपने आप में गंभीर बात है, बहुत ही सीरियस बात है। क्योंकि आपको अगर सिम्टम दिखाई देंगे तभी आप उसका ट्रीटमेंट करोगे, लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, अचानक से आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो बहुत खतरे वाली बात है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं क्या इस वायरस ने इंडिया में दस्तक दे चुकी है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसके पहले भी मोहाली में एक केस डिटेक्ट हुआ था, सबसे पहला केस, उसके बाद पटना में पेशेंट एडमिट था, जयपुर में पेशेंट एडमिट था, और भी कई जगह पे पेशेंट एडमिट थे, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं हुआ था, कोई कंफर्मेशन नहीं था कि उनको कोरोना वायरस है कि नहीं। लेकिन आज की जो अपडेट है वो केरला में एक पेशेंट ऐसा पाया गया है जिसको जो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। दैट मीन्स ये वायरस जो है इंडिया में दस्तक दे चुका है, इसीलिए
हमको काफी अलर्ट और काफी अवेयर रहने की जरूरत है। वेल, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो नई रिसर्च आई है उससे ये पता लगा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये आपके गले में दो तरीके का इन्फेक्शन करेगा। पहले ये ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन करेगा, अगर आपको ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन होगा तो आपको सूखी खांसी होगी, फीवर होगा। इसके साथ में अगर ये नीचे वाले हिस्से में अगर ये पहुंचता है, इन्फेक्शन करता है, तो आपको ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, और इसके साथ में आपको कफ होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, निमोनिया भी हो सकता है, और लास्ट में इसमें किडनी फेलियर के भी केसेस सामने आते हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि जो ऊपर वाला इन्फेक्शन है वो एक माइल्ड इन्फेक्शन है और वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं करता है, यानी कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होगा। मान लीजिए कुछ लोग चाइना से आते हैं तो उनको कौन सा वाला इन्फेक्शन होगा, उनको होगा माइल्ड इन्फेक्शन यानी कि ऊपर वाला इन्फेक्शन। अगर उनको ऊपर वाला इन्फेक्शन होगा तो उनकी जो वो अगर प्लेन में बैठेंगे तो ब्रीथलेसनेस की उनको प्रॉब्लम होगी, तो वहीं उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा और वहां ही उसको जो है उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद मान लीजिए माइल्ड इन्फेक्शन है, कुछ नहीं क्लियर होता है और वो इंडिया आ जाते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 21 एयरपोर्ट पे जो है थर्मल स्क्रीनिंग कर रखी है। जो भी चाइना से लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, यानी कि बिना थर्मामीटर लगाए उनका टेम्परेचर को चेक किया जा रहा है, जिससे कि पता लग सके कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर उनको ये डिटेक्ट हो जाएगा तो उनकी प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते और जो भी प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट नहीं हो जाती है। और साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि माइल्ड इन्फेक्शन किसी को है तो वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि वो ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है तभी वो जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, जो कि चाइना में बहुत ज्यादा हो रहा है। वेल, चाइना ने बहुत दो रिमार्केबल काम किए हैं, बहुत ज्यादा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है ये वायरस जो है वो जिस जगह पे है वहीं रहे, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ना फैले। इसके लिए उन्होंने दो काम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किए हैं, वो ये है कि 6 दिन के अंदर उन्होंने 1000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, जिससे जो भी पेशेंट है वो वहीं पे एडमिट हो रहे हैं और उनका वहीं पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और एक काम और किया उन्होंने, जिस जगह पे लाइक वुहान है और कुछ और शहर भी हैं जहां पे ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उस जगह को बिल्कुल अलग कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, यानी कि ना तो वो घर से कोई वहां से बाहर निकल सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, यानी कि वहां पे रेल सेवा भी बंद कर रखी है, वहां के मॉल भी बंद है, इवन वहां के जो बौद्ध मंदिर है वो भी बंद है, इसके साथ में एयरपोर्ट भी सारे बंद है, यानी कि कोई भी ना तो वहां अंदर जाएगा ना ही वो बाहर जाएगा, जिससे जो इन्फेक्शन है वो जिस जगह पे है वहीं पे रहेगा। इसके साथ में चीन ने जो दर्जा सार्स यानी कि जो 2002 और 2003 में जो चर्चा में आया था, जिससे 700 लोगों की पूरी दुनिया में मौत हुई थी, वही दर्जा इसको दिया है, इस कोरोना वायरस को दिया है। दैट मीन्स ये सेम वही सिचुएशन है, इसीलिए जो भी पेशेंट इससे डिटेक्ट हो रहे हैं, जिसको भी ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल अलग थलग कर दिया जा रहा है, ताकि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे में ना फैले। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सिम्टम क्या है। इसके जो सिम्टम है बिल्कुल स्वाइन फ्लू की तरह है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये डायरेक्ट इन्फेक्शन कर रहे हैं और सिम्टम इसके बाद में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि देखे जा रहे हैं। वेल, इसमें आपको बुखार होगा, सूखी खांसी होगी, इसके साथ में आपको गले में खराश जैसा महसूस होगा, आपको कोल्ड और कफ होगा, इसके साथ में आपको जो है सांस लेने में तकलीफ होगी, बाद में जो सीरियस केस आते हैं तो उसमें किडनी फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं। वेल, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस देखा जा रहा है जो कि एक प्रोसेस जो नजर आ रहा है वो ये है कि इसमें जो है आपको सबसे पहले बुखार होगा, उसके बाद आपको सूखी खांसी होगी, और अगर एक हफ्ते तक ये रहता है तो उसके साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, और जब ये सिचुएशन बढ़ती है तो निमोनिया आपको हो सकता है, इसके बाद में किडनी फेलियर भी हो सकता है। और माना ये जा रहा है कि जो उम्र दराज लोग हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको ये बहुत जल्दी अटैक कर रहा है, और खासकर वो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप को इससे किस तरीके से बचना है और क्या सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज के पंजाब केसरी के न्यूज़पेपर में ये दिया हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन और जो है आयुर्वेदिक नुस्खे हैं वो इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी कारगर है, इसीलिए उसमें कुछ मेडिसिन भी दी हुई है जो कि मैं इस चैनल पे नहीं बता सकती, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जानती। इसीलिए आप अगर आपको कोई सिम्टम दिखाई
दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको लगता है कि प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो जो आपको सजेस्ट करे उसको आपको फॉलो करना है। इसके साथ में आपको क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, सबसे पहली चीज है आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से लगभग 20 सेकंड तक वॉश करना है। दूसरा, आपको जब भी कोई भी सब्जी लेना है, कोई फ्रूट लेना है, वो ध्यान रखिए वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है ये चमगादड़ से यानी कि बैट से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए कोई भी चीज खरीदते टाइम वो कटी हुई ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी सब्जी या फ्रूट्स आप ले रहे हैं मार्केट से उसको अच्छी तरीके से वॉश करें, वॉश करने के ही बाद ही अपनी डाइट में ऐड। नेक्स्ट पॉइंट इज क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचे, क्योंकि क्राउडेड एरिया में कोई भी इंफेक्शन बहुत जल्दी अटैक करता है। इसके साथ में अगर किसी को फ्लू है, फ्लू जैसे कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसके साथ में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जो भी पालतू जानवर है या फिर जंगली जानवरों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज आपकी अगर प्रोबेबिलिटी हो, पूरी कोशिश ये करिए चाइना के, जहां पे ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मैं तो ये कहूंगी कि चाइना अभी अपना ट्रिप कैंसिल करिए, क्योंकि अभी वहां न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर का टाइम है, तो बहुत ज्यादा आवाज है, तो आप प्लीज वहां जाने से बचिए। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर नहीं कर देती है कि अब सारी चीजें नॉर्मल है, तब तक आप चाइना जाने से फिलहाल आप बचिए। इसके साथ में ये माना जा रहा है कि कुत्तों और बिल्लियों में भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है, इसीलिए इन पालतू जानवरों से या फिर जंगली जानवरों से आप दूर रहिए। इसके साथ में आप ध्यान रखिए कि मीट का और अंडे का जो सेवन है आप नहीं करिए, उसको अपनी डाइट में ऐड मत करिए जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि सारी सिचुएशन नॉर्मल है। इसके साथ में खांसते वक्त और छींकते वक्त कोई भी चीज, कोई भी टिश्यू पेपर या रुमाल अपनी नाक पे और मुंह पे रखिए, और उसके बाद में अपने हाथों को अच्छे से धो। जब भी आप बाहर जाएं तो मुंह पे मास्क लगाएं जरूर। उसके साथ में अगर कोई भी आपको सिम्टम दिखाई दे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई आपका जो ऑर्गन है वो फेल ना हो, लाइक किडनी फेलियर के बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, तो वो फेल ना हो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों का कंजम्पशन करें, तरल पदार्थों का इनटेक करें, जिससे कि आपको कोई भी ऑर्गन फेलियर के जो प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बाहर का खाना खाने के आदि हैं तो इस वक्त में आपको बाहर का खाना प्लीज अवॉइड करिए। इसके साथ में बाहर का लिक्विड लेना भी, लाइक कोल्ड ड्रिंक हो गया या कोई भी और जूसेस हो गया, बाहर के लेना अवॉइड करिए। आप कोशिश करें कि जो भी जूस लें वो घर का बना हुआ ही होना चाहिए। इसके साथ में जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें जो टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसको जरूर याद रखें। अगर जो भी आपके आस पास या आपको कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो आप इमीडिएटली उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। वो नंबर है 011-239-78046। रिपीट करूंगी 011-239-78046। अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है या आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फ्लू के जो सिम्टम दिखाई दे रहे हो और कोई भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो इमीडिएटली इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और कोशिश करिए जल्द से जल्द वहां पहुंचने की, ताकि आपका ट्रीटमेंट हो पाए और आपको ये जो इन्फेक्शन है वो सीवियर ना हो और एक से दूसरे तक ना फैले। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर करें। आप व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पर पूरी कोशिश करिए इस वीडियो को शेयर करने की, ताकि सारे लोग अवेयर हो पाए। अगर कोई उनको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे वो कॉन्टेक्ट कर पाए और फौरन से फौरन वो वहां से मेडिकल हेल्प ले पाए। क्योंकि ये एक अवेयरनेस वीडियो है और एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो आपकी भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि सारे लोगों को इसके बारे में पता लग पाए और वो अवेयर हो पाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखें।